और रोजगार जब तक दुनिया की कोई ताकत 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये झूठ के वादे। बिहार में नौकरी देने के मामले पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में होड़ मची हुई थी। तेजस्वी और राजद यह कह रहे थे कि हमने नौकरी दिया। नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू यह बताने में जुटी है कि नौकरी हमने दिया है। नीतीश कुमार ने तो पूरे पटना में पोस्टर ही लगवा दिया है। पटना के चप्पे चप्पे पर दीवालों पर यह लिखवा दिया गया है कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं तो लोगों को नौकरी दी जा रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बयानों से इतर बिजेंद्र यादव जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। बिजेंद्र यादव ने जिस तरीके से कहा है कि कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, अब से कुछ दिन पहले तक जब महागठबंधन की सरकार थी तो यही मंत्री नौकरी और रोजगार देने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि बिहार में नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 10 लाख नौकरी देने की बातचीत की जा रही थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। पहले बयान सुन लीजिए। तो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट बहुत ही अधिक आवश्यक चीज़ है रोजगार पैदा करने में, और रोजगार जब तक दुनिया की कोई ताकत 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये झूठ के वादे हैं, गलत कल्पनाएं हैं। सरकार को जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही नौकरी सृजित करती है और उतनी ही नौकरी देती है। तो आपने सुना यह बयान, यह बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव का बयान है, जो खुद एक कार्यक्रम में थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा था। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे मंच पर। जेडीयू और बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, और उसी कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के सामने ही विजेंद्र यादव ने बता दिया कि सरकार नौकरी नहीं देगी। एक तरफ नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव और राजद के लोग ये दावा करते रहे कि उनके सत्ता में रहने की वजह से 17 महीनों में नौकरी दी गई है, जबकि जेडीयू का यह दावा है कि 17 सालों में नीतीश कुमार ने जो विजन दिखाया है उसी विजन का अंश है नौकरी। 7 निश्चय पार्ट 2 का मिशन था नौकरी। लेकिन अब तो मंत्री विजेंद्र यादव का यह कहना है कि नौकरी तो हम दे ही नहीं सकते हैं, सरकार में जितने लोगों की जरूरत है नौकरी उसी अनुपात से निकाली जाती है, जबकि रोजगार देने की जवाबदेही सरकार की होती है। तकनीकी तौर पे अगर ये बातें एक तरीके से देखें तो विजेंद्र यादव ने जो बातें कही है वो वास्तविकता के हिसाब से सही है। सरकार बिहार में 12 करोड़ लोग हैं, सभी को नौकरी नहीं दे सकती है। लेकिन नौकरी नहीं देने के बयान क्या प्रैक्टिकली तौर पे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? क्योंकि बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरीके के बयानों का अर्थ और अनर्थ दोनों निकाले जाएंगे, मतलब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। विजेंद्र यादव जो बातें कह रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवान अब सवाल पूछेंगे कि साहब 17-18 सालों में आपने यही सपना दिखाया था, जब से कुछ महीने पहले तक तो आपने यह बातें नहीं कही थी, क्योंकि उस वक्त लोगों को नौकरी दी जा रही थी। एक बार फिर से पूरा बयान सुनिए। एयर कनेक्टिविटी है, रिवर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, रोड में भी 3-4 तरह के रोड हैं। अब तो एक्सप्रेस हाईवे का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। बहुत ही ज़्यादा घनत्व का राज बिहार है। प्रारंभिक दौर में आज़ादी जब शुरुआती काल था, इतिहास बताता है कि पहले आखेट युग आया यहाँ, इसके बाद पशुपालन युग आया, इसके बाद कृषि युग आया, तब औद्योगिक युग आया, अब वैज्ञानिक युग है। गंगी जमुनी सभ्यता के नाम से ये देश जाना जाता है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लीन एयर, समतल भूमि, तो पानी बहुत ही आवश्यक चीज था। तो गंगी जमुनी मैदान में पानी की उपलब्धता के चलते नॉर्थ साउथ इंडिया में आबादी का घनत्व कम रहा, नॉर्थ में ज़्यादा रहा। अंग्रेज भी आए तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाया, और अंग्रेजों ने कहा था ये भारत जो है सोने का चिड़िया है, लेकिन आज वक्त बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं।
तो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट बहुत ही अधिक आवश्यक चीज़ है रोजगार पैदा करने में। और रोजगार जब तक दुनिया की कोई ताकत 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, ये झूठ के वादे गलत कल्पना है। सरकार को जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही नौकरी सृजित करती है और उतनी ही नौकरी देती है, लेकिन रोजगार देना सरकार का दायित्व है लोकतंत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए पावर एंड कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक है। और रविशंकर बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्मरण करना चाहूँगा जेटली जी को, स्वर्गीय अरुण जेटली ने जो GST लागू किया, मुझे स्मरण है जिस रोज लॉन्च हुआ था तो खाने के टेबल पर हम लोग बैठे हुए थे, जेटली साहब ने कहा जदर भाई हम बोले जी अगले 7-8 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें स्थान पर जाएगी, क्योंकि टैक्स की चोरी का रुकना सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को सुधार करने का काम हुआ। और संयोग से सौभाग्य से पूरी GST की प्रणाली में मैं था, इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग हैं, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दें ताकि जनसंख्या के घनत्व में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता बिहार में पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।